यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं टूरिज्म और लोकल गवर्नमेंट, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि साथ वो नॉलेज भी जो है दे रहे हैं, ख़ास तौर पे जो यहाँ स्टूडेंट आते हैं बायोलॉजिकल साइंसेज के। और यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के बारे में बताया गया है, डिफरेंट किस्म के लिजर्ट्स जो है कहते हैं यहाँ पर हैं। वो भी हमारी तरह ही शुदाई। और स्नेक भी है इवन, बट ये चीज़ शो करती है कि यहाँ अभी भी नेचुरल लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। तो हम सब लोगों का काम है कि हमारे ग्रुप की तरफ से जो योगा का ग्रुप आया हुआ है द वंडरफुल क्लब, वो मैसेज ये है कि यहाँ एंजॉय भी करें, लेकिन जो यहाँ की नेचुरल लाइफ है, जो एनिमल्स हैं, वो भी प्रोटेक्टेड जो है कहते हैं वो रहें, वो भी जो है कहते हैं प्रोटेक्टेड जो है कहते हैं रहें। जिस तरह ग्रीनरी भी है और एनिमल्स, ये सब कुछ है, दैट शोज के एक नेचुरल बैलेंस, एक इको सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, जिसे हमें बचाना है अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। तो ये सही कहने के मैसेज है कि सस्टेनेबल टूरिज्म वो होना चाहिए कि आपको जो है अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये चीज़ें प्रोटेक्टेड रखनी है। थैंक यू वेरी मच एंड एवरी वन वेलकम। जबरदस्त।